गाइस वेलकम टू सैम गेमिंग। सो टुडे वी हैव अ 21 टीम 70 प्लेयर्स। वीकेंडी का हमारा मैप कस्टम एच 4K एंड टीम प्लेन पार्ट 2 की बात करूँ तो टीम पोर्ट एक्सक्यूज मी व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, हम क्या क्या कह रहे हैं, पोर्ट 2 मिलनार की ओर जाने वाला है। फिलहाल प्लेन पार्ट हमारा, टीम्स की बात करूँ तो यहाँ पे एच 4K लियो वैनम, टी जे मेजर बोब, सी एच बी रो, टी डब्ल्यू वैनम जूनियर, रेज ऑफिशियल, टीम टी एस, एस टी आर टी आर, एस बी एरर एंड मेज मुन्ना भैया एंड टीम किंग डेविल्स एंड 20। टीम्स अपना ड्रॉप लोकेशन लेना स्टार्ट कर चुकी हैं। कोसमो ड्रोम की ओर कैरी करती नज़र आ रही है हमें टीम रेज, उन्हीं के साथ में फिलहाल टीम टी जे का भी ड्रॉप लोकेशन हमने आज चेंज देखने को मिलेगा या शायद एक क्लैश देखने को मिलेगा ड्रॉप्स पे, क्योंकि टीम 18 के प्लेयर्स यानी कि टीम आर टी आर के प्लेयर्स भी कॉस्मोड्रोम की ओर कैरी कर रहे हैं। फिलहाल रेज तो कॉस्मोड्रोम चली जाएगी लेकिन टी जे एंड आर टी आर कॉस्मोड्रोम के लेफ्ट हैंड एरिया लूट करने की चाहत रखते हैं। फिलहाल कोलमाइन टीम सी एच बी लूट करेगी। ग्रोका की बात करूँ तो ग्रोका के अंदर यहाँ पर टीम डेविल्स है, टीम एस बी का डुओ है और एक एस टी का सोलो प्लेयर एक्समैन ओपी। फिलहाल एक्समैन ओपी यहाँ पे एच वी शेडो को डाउन कर देगा। अंडर द साइड रहेगा इज द लास्ट मैन सर्वाइवल ऑफ टीम एस वी। रहेगा भी के लिए लूट कर रहा है। फिर 4EA के प्लेयर भी, सॉरी मेजर के प्लेयर भी लूट फाइट लेते नजर आ रहे हैं। रोल अप को नो कैन फिनिश ऑफ कर दिया गया है टीम स्वाले की ओर से। फिलहाल तैयब डाउन हो चुके हैं एंड स्वाले एक किल अपना ले चुके हैं। तैयब नो कैन फिनिश ऑफ हो चुके हैं। फिलहाल मेजर स्वाले एंड एजम रोडॉक्सिक ऑल्सो गेट नॉक डाउन एंड मेजर के एजम और स्वाले दोनों ही प्लेस प्लास पीछे से जोकर आते हुए मेजर एजम एंड स्वाले के लिए विद अ फीस यहाँ पे स्वाले फिनिश ऑफ करेंगे टॉक्सिक को। जोकर के साथ फाइटिंग गेज हुआ, मेजर एजम नॉक निकालेंगे रो जोकर का। बैक टू बैक 3 नॉक एंड फिनिश ऑफ दे चुकी है टीम मेजर टीम रो के ऊपर। या वी हर का एरिया लूट कर रही है टीम मेजर। रिच फ्लैश वहाँ पे हैंगओवर बाबा को करेंगे फिनिश ऑफ या फ्लैश फिनिश ऑफ करेंगे। वैनम की टीम फाइट लेती नज़र आ रही है, वो भी ऑन द अदर साइड एक प्लेयर को डाउन किया है वहाँ पे चचा ओपी के प्लेयर को या लास्ट प्लेयर उनका बचा हुआ है। वैनम के सैजी को कन्फर्म नहीं होता हुआ सूट टीम पहनने का, दो ही टीम के डुओ था यहाँ पे, दोनों ही फिनिश ऑफ हो चुके हैं। टीम टी एस का डुओ बचा हुआ है जो एच 4K के साथ वोल्नोवा के अंदर है। साहिल टी डब्ल्यू आबू ओपी को डाउन कर देंगे, यहाँ बचाना मुश्किल होगा या बचेंगे? जी हाँ बिल्कुल बचेंगे। टी डब्ल्यू हंटर ओपी ने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपना पहला किल उठाती हुई टीम बॉब भी फाइट लेती नज़र आ रही है। बॉब वर्सेस लाल एस टी के प्लेयर यहाँ फिनिश ऑफ करेंगे एक प्लेयर को, बट टी एस्किन यहाँ लीजन को डाउन कर देंगे एच 4K। लीजन गेट नॉक डाउन, टी एस्किन बहुत ज़्यादा लो है, फ्लैश उसको अपने शॉर्ट गन से नॉक करेगा एंड टी एस फ्लैम इज द लास्ट मैन सर्वाइवर। लीजन डाउन पड़ा हुआ है, रहेगा नॉक पड़े हुए हैं, फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे टी एस फ्लैम की ओर से। यहाँ फ्लेम अपना फिनिश ऑफ भी डालते हुए काफ़ी दूर है लेकिन फ्लेम क्लोज जाना चाहेंगे। फिलहाल फ्लैश को रिवाइव होते हुए नज़र देख रहे हैं हम, रिवाइव दे रहे हैं वो टी एस लीजन को बट वो रिवाइव हो जाएंगे, इतना ज़्यादा सीन है नहीं अभी के लिए। फिलहाल टीम रो का सोलो प्लेयर बचा हुआ है रो एजन जो मेजर के साथ 1v2 फाइट इंगेज करने को है। मेजर एजम एंड्स वाले पूरा लूट करते हुए आ रहे हैं। एजन या मेजर एजन को मेजर एजम फिनिश ऑफ करेंगे टीम मेजर ओपी इन द चैट गाइस। फिलहाल तो सवाले का एक इमोट आई थिंक सो देखने को मिलेगा। जी हाँ मेजर एजम का एक लाफिंग इमोट चलता हुआ टीम रो के प्लेयर्स को यहाँ पे चारों किल्स, 3 किल्स एजम ने उठाए, 1 किल सवाले ने और यहाँ सवाले का भी इमोट देखने को मिल रहा है हमें। जी हाँ घूर रहे हैं। फिलहाल टीम ट्रिंडी का डुओ उनके काफ़ी करीब से निकलता हुआ जा रहा है लेकिन रेज वर्सेज टी जे देखने को मिला हमें। टीम रेज का 1 किल कन्फर्मेशन ले चुकी है टीम टी जे। यहाँ रेड डीजल नो कैन फिनिश ऑफ हो चुके हैं। बाकी ट्रियो रेज का खेलता हुआ नजर आ रहा है हिटमैन सोनू ड्रैकुला तीनों ही प्लेयर्स के साथ। टीजे के स्टार बॉय गब्बर एश एंड मैजिशिया चारों ही प्लेयर्स अपने डेविल्स वर्सेस एसटी में। एसटी का जो सोलो प्लेयर एक्समैन ओपी था डेविल्स उसका किल कन्फर्मेशन ले लेगी। दो ब्रोमेस्टो में टीम मेज लूट करेगी, ट्रिनिटी विहार ही के पास में एरिया लूट करेगी। आरआर एंड टीम किंग काफी विहार के ही पास का एरिया वो भी लूट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ मुफ्तरा का एरिया वो लूट करेंगे, ट्रिनिटी थोड़ा बिहार एंड मुफ्तरा के पास वाले कंपाउंड्स लूट कर रही है। उन्होंने जैसे टीम 23 के प्लेयर्स की बात करूँ तो इतनी ज़्यादा स्प्लिट में शायद ही कोई प्लेयर होता होगा। स्पे गो तोवार में है तो विनी की और चाचा ओपी हैं एंड दो प्लेयर्स टीम किंग के जो मुन्ना भैया एंड कैम चार्ली हैं।
वो यहाँ पे टीम आरआर के साथ फाइटिंग इस करते हुए नजर आएंगे। आरआर एरियल फबिया सादिक एंड लिट ओपी के साथ यह क्लोज इन होगा, 2v4 फाइट होगी, इतना आसान होगा नहीं। फिलहाल वैनम जूनियर्स भी फाइट लेते नजर आएंगे हमें टीम बॉब के साथ, वैनम माइम फैज एंड ताबिश। अपोनेंट में होगी टीम बॉब मर्सी ईविल डी एस आर के का जामा, यहाँ हेलमेट नहीं है डी एस आर के पास। ईविल की बात करूँ उनके पास वेस्ट नहीं है, हेलमेट मर्सी के पास भी नहीं है, एंड कजामा के पास एक लेवल का हेलमेट, टू लेवल्स की बैट वेस्ट यहाँ पे, तबिश के पास यहाँ पे हेलमेट वेस्ट, दोनों ही चीज़ें हैं पिन करके रखा हुआ है। वैनम माहिम के पास हेलमेट नहीं है जैसे ये देख रहे हैं, वैनम फैज के पास वेस्ट नहीं है, तो इक्वली फाइट है, लेकिन नंबर एडवांटेज थोड़ा बॉब को जाएगा। फिलहाल वैनम फैज आ गए हैं, वहाँ स्पॉट हो सकते हैं बॉब मर्सी को, थोड़ा लेट स्पॉट करने में लगा दिया वैनम फैज, पीछे कवर पकड़ चुके हैं। वैनम जूनियर्स अभी के लिए फाइट कंटिन्यू रखते हैं या फुल बैक करेंगे, तब इस तो काफ़ी पीछे की ओर है। वैनम माइम या टीपी पे लेके बैठे हुए थे, 3v4 फाइट वो से होगी, 16 टीम 52 प्लेयर्स, टीम एच फोर के निकल चुकी है बिल्कुल। यहाँ वो लोगों का एरिया लूट कर कर वो अपना थोड़ा आगे रोटेशन एवे की ओर पहुँच चुकी है लूटते लूटते। फिलहाल बॉब की प्लेयर्स फाइट अब इंगेज होगी यहाँ पे, तब इसको नॉक किया था बॉब ईविल ने, इंस्टेंट फिनिश हो भी डाल दिया गया। वैनम माइम एंड फैज दो ही प्लेयर्स बचे हुए हैं, 2v4 सिचुएशन नोट ईजी यहाँ पे, क्योंकि वो अब सामने काफ़ी अच्छे तरीके से चार प्लेयर्स हैं। फिलहाल मेजर स्वाले गेट नॉक डाउन ट्रिनिटी के प्लेयर्स की ओर से होंगे, क्या एजम रिवाइव दे पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल हो पाएगा उनको रिवाइव, एजम अकेले बचे हुए हैं, चार फर्स्टेड उनके पास हैं, 3 किल्स वो ले चुके हैं। ट्रिनिटी जैक अपना पहला खेल उठाते हुए टीम ट्रिनिटी के लिए, टिंडी के प्लेयर पूरा पिन करके रखे हुए हैं, क्योंकि अब शायद वहाँ क्लोज इन भी करना चाहेंगे, इतना तो उन्हें पता नहीं वहाँ पे कितने प्लेयर्स हैं, बट यहाँ पे एक प्लेयर को फिनिश ऑफ कर चुके हैं तो इतना तो उन्हें पता है। वैनम जूनियर्स वर्सेस बॉब हमारा कंटिन्यू है, वैनम माइम फैज होल्ड करके बॉब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, बॉब भी नहीं आना चाहती क्लोज नहीं, इतना मतलब रिस्क नहीं लेना चाहती एक टाइप का। यहाँ पर टीम 18 के ट्रिनिटी ब्लेज टीम आरटीआर के लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तीनों ही प्लेयर्स आरटीआर के टीजे फिनिश ऑफ कर चुकी है, और ब्लेज अभी के लिए होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं अंदर काफ़ी पीछे की ओर। फिलहाल गब्बर जी नहीं, मैं समझा स्पॉट कर लिया है, लेकिन यहाँ स्पॉट किया नहीं है, टीजे के प्लेयर्स लूट करते नजर आ रहे हैं। यहाँ टीम वरीज का भी उन्होंने एक किल डीजल का ले रखा था, 3 मैन स्क्वायर के साथ रेस खेलते नजर आएगी, आज एक अचंभे वाली बात, किसी भी प्लेयर ने आज एयर ड्रॉप की मांग नहीं करी किसी भी टीम ने, यानी कि फ्लेयर ड्रॉप्स वीकेंडी का मैप हो और फ्लेयर ड्रॉप्स ना हो, ऐसा अजीब लग रहा है मुझे। फिलहाल फर्स्ट एयर ड्रॉप शायद से नॉर्मल ड्रॉप आता हुआ, वरना एक गेम हमारा वो भी हुआ था जिसमें 15-16 एयर ड्रॉप थे और जिसमें 10-12 फ्लेयर ड्रॉप्स आई थी। फिलहाल फर्स्ट एयर ड्रॉप आता हुआ, नॉर्मल ड्रॉप नंबर 1 हमारा, MK Level 3 हेलमेट वेस्ट बैक पैक गिली सूट डार्क ब्राउन सप्रेसर स्नाइपर एंड एक पेन किलर भी है। फिलहाल बॉब का प्लेयर वैनम माइम को करेगा डाउन, वैनम फैज इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, टीम बॉब करेगी क्लोज इन, वैनम सॉरी बॉब की कजामा या वैनम जूनियर्स को एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगी, कजामा खुद भी लो हुई है, DSRK ने लिया है लास्ट किल, कजामा तो नोक हो गई थी, वह DSRK किल उठाते हुए 15 टीम्स 48 प्लेयर्स हमारे अलाइव हैं। बॉब ईविल मर्सी कजामा एंड DSR के चारों प्लेयर्स को 2-3 किल्स मिल चुके हैं टीम वैनम के जूनियर्स के। एंड CHB की बात करूँ तो कोल माइन का एरिया वो लूट करती है और वहीं पे करके अभी होल्ड करे हुए हैं, मेज गोरका की साइड से जोन में एंटर हो चुकी है। ऑन द अदर साइड वैनम विनरी के एरिया से लेके हॉट स्प्रिंग से रोटेशन अपना चालू रखेगी, सीमेंट फैक्ट्री वैसे टीम मेजर जाती हुई नजर आती है बट आज नहीं गई वो। फिलहाल एजम अकेले प्लेयर बचे हुए हैं, ट्रिनिटी का 4 प्लेयर्स उनके क्लोज में हैं। ओपी इन द चैट गाइस, ट्रिनिटी के जैक को करेंगे डाउन, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डालने का ट्राई बट कर नहीं पाए, शायद अब कर रहे हैं लेकिन फिनिश ऑफ डालने के लिए काफ़ी बाहर आए थे। ट्रिनिटी डीन ने पूरा वहाँ पे उनके ऊपर पिन करके रुके हुए थे वो, दैट्स वाई यहाँ पर ट्रिनिटी जैक को रिवाइव देते हुए नजर आएंगे। ट्रिनिटी डीन टीम ट्रिनिटी अपने 2 किल्स उठाते हुए टीम मेजर के ये दोनों किल। फिलहाल फबिया सादिक तो यहाँ ऑफलाइन है, तो फबिया लिट ओपी एंड एरियल ये तीनों ही प्लेयर्स लूट करते नजर आ रहे हैं, क्लोज में भी हैं काफ़ी, मुफ्तरा का एरिया लूट किया है, विहार के काफ़ी क्लोज में हैं लेकिन शायद से जोन जाएंगे क्योंकि हमारा जोन नंबर 1 क्लोज इन्होंने स्टार्ट हो चुका है काफ़ी टाइम का। रेस सोनू का गिननेट जाएगा, काफ़ी अच्छा गिननेट, टीम मेज के किंग ऑफ मेज को लेके जाएगा, क्रिमिनल स्टार में साकेत एंड वर्थ 3 मैन स्क्वायर, 3v3 फाइट होगी टीम रेस के लिए। यहाँ रेस की तरफ से ये ज़्यादा देखने को मिलता है, नो कैन फिनिश ऑफ, नो करने के बाद क्लोज करना बहुत जल्दी करते हैं वो। फिलहाल रेस सोनू एक और ओपी के साथ अपना फिनिश ऑफ भी निकालते हुए, यानी कि किल भी निकालते हुए,
ड्रैकुला जाते हुए हिटमैन भी जाते हुए क्लोज करते हुए दोनों ही प्लेयर्स, एंड ऑन अदर साइड है पीछे बैठा हुआ क्रिमिनल स्टार, क्या यहाँ से कुछ कर पाएगा, 1v2 सिचुएशन में होगा। ड्रैकुला पीछे की ओर है, हिटमैन भी आना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, हिटमैन का एक फ्लाइंग आया, क्रिमिनल स्टार उनके जस्ट सामने होंगे, पूरा होल्ड करके बैठे हुए क्रिमिनल स्टार, हमेशा के ड्रैकुला को डाउन करेंगे, हिटमैन के क्रिमिनल स्टार हिटमैन को डाउन करेंगे, यानी कि रेस सोन इज द लास्ट मैन सर्वाइवल ऑफ टीम रेज। फिलहाल बॉम वर्सेस TW होता हुआ ऑन द अदर साइड, टीम TW के प्लेयर्स ने बॉम का एक प्लेयर को डाउन कर दिया कजामा को, एंड यहाँ पर रेज सोनू क्या आज भी वीकेंडी में क्लच इनका काफ़ी देखने को मिलता है स्पेशली वीकेंडी में। फिलहाल कजामा का किल कन्फर्मेशन लेते हुए TW निंजा OP एंड क्रिमिनल स्टार का देखी जाए तो यहाँ फिनिश ऑफ अभी तक, जी हाँ अपने आपको हील कर रहे थे, फिनिश ऑफ करेंगे मेस आकर यहाँ पे ड्रैकुला को, रेस सोनू का लास्ट में सर्वाइवल, पीठ पर गोली मारी जाएगी, सामने से नहीं मारे जाएंगे, रेस सोनू सामने से मारने वाले बहुत कम है, रेस सोनू को ये यहाँ से साबित हो चुका है। फिलहाल तो टीम मेज यहाँ पर किल्स निकालती हुई टीम रेज के, टीम रेज गेट एलिमिनेटेड बाय #14। टीम DSR की, टीम बॉब की बात करो, बॉब एक्स की बात करो, ट्रियो रहेगा उनका क्योंकि TW के प्लेयर स्पेशली TW के निंजा OP वहाँ पे किल कन्फर्मेशन ले चुके थे एक प्लेयर का, और फॉल बैक भी करते हुए एयरड्रॉप नंबर 2 नॉर्मल ड्रॉप नंबर 2 पोर्ट वेस्टो के अंदर आता हुआ, MK लेवल 3 हेलमेट, वेस्ट बैकपैक, एक हमारे एडलिस फ्रिंज भी है जो काफ़ी मदद देती है, और किसी भाई ने हमारा ऑल पे माइक कर लिया है। टीम ट्रेंटी के यानी कि हमें एक टीम RTR के ब्लेज सोलो प्लेयर है और टीम TJ उनके ऊपर अभी तक लूट ही कर रही है, वो या ट्रिनोवो के अंदर लूट कर रही है शायद। RTR का ब्लेज एक दो नोक निकालने का ट्राई कर सकता है वहाँ से। वैनम की टीम अभी हॉट स्प्रिंग का एरिया लूट कर रही थी, उसके बाद जोन में आएगी TS का शायद, फ्लेम सोलो प्लेयर है फ्लेम, जी हाँ बिल्कुल, एक किलो उनके बाजार सीमेंट फैक्ट्री के अंदर उनका रोटेशन चालू है। एशवर की बात करो तो डो उनका लीजन एंड फ्लैश के शायद वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। फिलहाल फाइट नहीं, फाइट नहीं, विला के एरिया से टीम डेविल्स का रोटेशन एंटर है और टीम मेज को ऑलवाइन के एरिया में, जहाँ पे अभी वैनम को फिनिश, सॉरी रेज को फिनिश ऑफ किया है उन्होंने। या ऑन अदर साइड टीम एरर का ट्रियो भी तोवार के अंदर जोन में पहुंच चुका है, तोवार के एरिया से जैसे उनके पास पीछे से रोटेशन आएगा टीम ट्रेंडी का, क्या वो एक फाइटिंग एज हो सकती है क्योंकि यहाँ टीम एरर के प्लेयर्स रुकते हुए तो नजर आ रहे हैं, क्या वो पीछे की ओर देखना चाहेंगे। अभी तो वो आगे के कंपाउंड क्लियर कर रहे हैं लेकिन जस्ट उनके पीछे से तो आ रही थी, बट वो विला का एरिया पहुंच चुकी है, विला की साइड टीम ट्रेंटी ने डिसाइड किया है वहाँ पर रोटेशन डालना अपना, रोटेशन के साथ जोन में आना अपना। एंड एक गुच्छे की बात करूँ तो यहाँ पर टीम ऑन अदर साइड टीम TJ की गब्बर यहाँ फाइट इंगेज कर अभी तक जोन के अंदर है, टीम TJ की पता नहीं यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक खासियत रहती है वो बहुत ज़्यादा देर तक लूट करती है, एक अच्छी चीज़ भी है ये, एक इनफ लूट लेना और उसके बाद फाइट इंगेज करना, यहाँ काफ़ी इनफ लूट ले लेती है टीम TJ। फिलहाल तो गब्बर यहाँ से काफ़ी लेट निकले हैं, जोन में रोटेशन अपना चालू रखा है उन्होंने, टीम RTR के ब्लेज सोलो बचे हुए हैं उनको भी चाहिए जोन में जाएं क्योंकि 516 मीटर दूर एक मिनट जोन के अंदर बचा हुआ है। फ्लेयर ड्रॉप हमारा पहला फ्लेयर ड्रॉप आता हुआ जो कि मंगाया है टीम TW ने, आई थिंक सो, लेट्स सी यहाँ पर टीम ने मंगाया भी है नहीं, MK है यहाँ पर TW निंजा OP के पास, जी नहीं बिल्कुल नहीं मंगाया है, ये सब वह में ज़्यादा तारीफ हो गई थी हमारी वीकेंडी के में फ्लेयर ड्रॉप्स की, तो दैट्स व्हाई आज कोई फ्लेयर हमें देंगे नहीं पबजी वाले। फिलहाल ट्रिनिटी के प्लेयर्स की बात करो तो वहाँ ट्रिनिटी के दो किस निकाल चुके ट्रिनिटी, लेकिन कैंप चार्ली को यहाँ फ्लैश M24 का मजा चखाते हुए फ्लैश लीजन एंड फ्लैश क्या क्लोज करने वाले हैं टीम के ऊपर। फिलहाल फ्लैश यहाँ पर 6x के साथ चाहते हुए फिनिश ऑफ डालने का ट्राई, बट कर नहीं पाएंगे अभी के लिए, होल्ड करे बैठे अपोनेंट में, चारों प्लेयर्स से अधिक प्लेयर उनसे डाउन हो जाएंगे, फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे। टीम बॉब वर्सेस TW होता हुआ इस बार, TW हंटर ने नोक एंड फिनिश ऑफ डाल दिया है टीम बॉब के मर्सी को, टीम बॉब का डुओ बचा हुआ है, DSR के एंड ईविल कंटिन्यू फाइटिंग एज है यहाँ पर, डेविल्स के चुंगल में फंसेगा इस बार बॉब का ईविल, यानी कि यहाँ बॉब का DSR के इज द लास्ट मैन सर्वाइवल ऑफ टीम बॉब, और होल्ड करता नजर आएगा वो, जी हाँ पीछे जा रहा है अभी तो, सीमेंट फैक्ट्री की ओर जाने का डिसाइड किया है बॉब DSR के ने, डेविल्स ने कॉपी को किल कंफर्मेशन भी होता हुआ बॉब ईविल का, 13 टीम्स 40 प्लेयर्स हमारे अलाइव हैं। सेकेंड जोन हमारा चल चुका है, थर्ड जोन हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा, एंड अभी की बात करूँ तो यहाँ गुच्छे में टीम्स डेविल्स TW बॉब तो निकलना चाहती है वहाँ से, निकल भी जाएगा, सोलो प्लेयर ही बचा हुआ है,
अभी टी डब्ल्यू ड्रॉप लूट के आई है, उसी के बाद टीम मेज वहाँ पे पहुँच चुकी है, लेकिन उस ड्रॉप में कुछ मिलेगा नहीं उनको। टी एस का जो सोलो प्लेयर है वो वैनम के काफ़ी करीब है। ए ड्रॉप नंबर थ्री हमारा नॉर्मल ड्रॉप नंबर थ्री ही आता हुआ, आज कोई प्लेयर नहीं आएगी, ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। एम के एन लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट बैक पैक पैक के साथ टेटिकल स्टॉक एंड एक पेन किलर और कुछ एमओ भी हैं एम के साथ, सी बात नहीं है, सबका चीज़ का ख्याल रखा जाता है। एम के साथ एमओ की बजाय एक्सटेंड है तो ज़्यादा बेहतर होगा, ड्रॉप सेट करने की होती तो शायद मैं तो यही रखता। फिलहाल ए ड्रॉप नंबर सॉरी क्लोजिंग जोन नंबर टू होने हो चुका है, ऑलमोस्ट जोन नंबर थ्री हमें देखने को मिलेगा जस्ट अ सेकेंड। या न्यू जोन हमारा बन चुका है और सीमेंट फैक्ट्री का एरिया जोन से कट चुका है। पेशकोवा यानी कि टीजे एंड वैनम दोनों ही आउट ऑफ द जोन है। ट्विंटी जो आरटीआर का सोलो प्लेयर विलेज बचा हुआ है वो भी आउट ऑफ द जोन है। ऑन द अदर साइड टीएस का फ्लेम जो सोलो बचा है वो भी आउट ऑफ द जोन है। या फाइट लेते हुए नजर आएगी डेविल्स TW एंड टीम H4K और टीम किंग, ये चारों टीम्स काफ़ी एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। फिलहाल टीम आर का रोटेशन फिर से चालू हो सकता है, हो चुका है। फिलहाल माउंट किजिनिक की ओर जाना चाहती है शायद वो टीम। वैनम जोन में एंटर हो चुकी है, पोर्ट वेस्टो का एरिया उन्होंने लिया है, रोटेशन का चालू है, क्या आगे तक कैरी करेगी है, एज ऑफ द जोन खेलना चाहेगी। या नॉर्मली वैनम एक अर्ली फाइट्स लेती नहीं है, लूट लेती है काफ़ी अच्छे तरीके से। फिलहाल उनके पास लूट तो है काफ़ी नज़र आ रही है, और अर्ली फाइट में एक ड्रॉप फाइट पे भी दो किल्स उन्हें मिल चुके थे जो दोनों किल वैनम सैजी को मिले हैं। वैनम सैजी का 98 चलाते हुए काफ़ी नज़र आते हैं, स्पेशली का 98 M24 तो काफ़ी कम चलाते हैं, का 98 के फटके काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं उनकी ओर से। TW वर्सेस मेज होते हुए नज़र आ रहा है हमें। TW आबू ओपी एंड निंजा ओपी यहाँ लूट कर रहे हैं, उनके जस्ट करीब में TW मेज के प्लेयर्स आ चुके हैं। जी हाँ, 200-300 मीटर दूर होंगे मेज के तीनों ही प्लेयर्स, स्टार क्रिमिनल स्टार मेज साकेत एंड वरत। ये डांस पार्टी चल रही है, जी हाँ तीनों ही प्लेयर्स की डांस पार्टी होती हुई, XD वर्थ क्रिमिनल स्टार एंड मेज साकेत की, इमोट वर्सेस इमोट। और यहाँ वर्थ के एंगल से देखा जाए तो वो एटेक्स से वो इमोट दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ चीज़ें गलत भी नज़र आ रही हैं भाई, हिसाब से कर लो कम को। जी हाँ काफ़ी यहाँ पे टिकटॉक बाजी हो चुकी है, क्रम स्टार की अब भी चालू है, मेरे साकेत काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, एंड वर्थ का काम है यहाँ पे एक वीडियो बनाने का। जी हाँ मैंने अपना उनका काम उन्हें दे दिया है। फिलहाल तो आरटीआर का ब्लेज जो सोलो प्लेयर सर्वाइव करता नज़र आ रहा है, शायद वो अभी भी सर्वाइव करता नज़र आएगा टीजे को ना छेड़े तो, जो उनमें ऑलमोस्ट एंट्री वो ले चुका है। अगर टीजे का रोटेशन चालू है, ऑन द अदर साइड टीएस का फ्लेम जो सोलो प्लेयर है वो वैनम के जंगल में फंस सकता है, जस्ट उसके पीछे वैनम है, टीजे की ओर ध्यान है उसका, बट पीछे वैनम की ओर नहीं। या डेविल्स एंड एरर के यहाँ फाइट होती नज़र आ सकती है हमें। टीजे का स्टार बॉय देखिए आज अलग ही लेवल में, टीजे स्टार बॉय एंड मैजिशियन है दोनों प्लेयर्स, यहाँ एक पूरा रोटेशन अलग ही अलग है दोनों ही प्लेयर्स का, यानी कि यहाँ पे एक कंफर्म रोटेशन शायद नहीं लिया है इस गेम में, आई डोंट नो क्या है फिलहाल तो वहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, एक कंपाउंड होल्ड करना चाहती है टीजे और वो आ चुकी है। टीजे के प्लेयर्स पूरे दबंग एंट्री करते हुए एक व्हीकल के साथ सीधा घर में। ऑन अदर साइड उनके ही काफ़ी करीब यहाँ डेविल्स फाइट लेते नज़र आ रही है, स्पीड ऑन वो कंटिन्यू रख रही है, जस्ट उनके नीचे है टीम नंबर 23 हमारी जो चारों प्लेयर्स यानी कि टीम किंग, मुन्ना भैया चचाओ पी टी जे टी एफ स्प्रे गोड एंड कैंप चार्ली, कैप्टन चार्ली ब्रो क्या हाल है। फिलहाल टी टी एस लीजन एंड फ्लैश काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठे हुए हैं, एक प्ले डाउन किया था उन्होंने पहले फ्लैश ने M24 के साथ, बट वहाँ फिनिश ऑफ नहीं डाल पाए। जोन नंबर थ्री भी हमारा क्लोज हो चुका है, यानी कि जल्दी 21 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर हमें न्यू जोन देखने को मिलेगा, 1-2 सेकंड के अंदर। जी हाँ बिल्कुल, जो न्यू जोन बन चुका है फिर से थोड़ा सा जोन का टाइप एन एम की साइड, टीम एच फोर के खड़े जो डुओ है ये भी जोन के अंदर नहीं है, ट्रिनिटी का प्लेयर्स भी जोन के अंदर नहीं है, बट पहुंच जाएंगे उन्हें इतना बिटी होगा नहीं। एयर ड्रॉप नंबर फोर नॉर्मल ड्रॉप नंबर फोर टीम CHB के खाते में जाएगा ये वाला एयर ड्रॉप, जिसके अंदर ग्रोजा लेवल थ्री हेलमेट वेस्ट बैक पैक पैक के साथ गिली सूट डार्क ब्राउन एंड एटेक्स आएगा, जिसमें अगर आपके पास एटेक्स वाली गन है तो ही यूज़ करिए, वरना पबजी वाले जो एटेक्स हैं वो अलग ड्रॉप में देते हैं, जिसमें होम देते हैं उसमें एटेक्स नहीं 4X आता है। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट रोप में वहाँ पे ओम वगैरह के साथ एटेक्स मिलता है,
फिलहाल अनुज यहाँ पे M24 विद 6X चलाते हुए वो भी नज़र आ रहे हैं। टीजे से फाइट ले रहे हैं टीम डेविस के प्लेयर्स, जहाँ टीजे से थोड़ा लॉन्ग रेंज फाइट चलती हुई। यहाँ डेडशॉट के पास AKM विद 4X एंड TW हंटर OP TS फ्लैम का किल कन्फर्मेशन लेंगे, जो TS फ्लैम सोलो प्लेयर थे। TW आज काफ़ी अच्छे तरीके से रंगत में नज़र आ रही है, स्पेशली TW के हंटर, जहाँ बिल्कुल 3 किल्स वो ले चुके हैं TW हंटर। टीम एक्सनिल एक्सनिल एंड TW हंटर निंजा आबू काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट लेते नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्रिमिनल स्टार, जैसे मैं बोल रहा था, टीम मेज उनके जस्ट करीब में बैठी है टीजे के, तो शायद वहाँ पर ध्यान नहीं दिया था किसी प्लेयर ने, लेकिन एक्सनिल काफ़ी लो कर दिए गए हैं यहाँ पे क्रिमिनल स्टार के द्वारा। एश वर्तमान अनुज को डाउन करेंगे, यानी कि टीम एश और डाउन करेंगे, टीम टीजे डाउन करेंगे, टीम टीजे के एश डाउन करेंगे टीम डेविस के प्लेयर को। क्या टीजे क्लोज करने वाली है? या आई थिंक सो नो कर नहीं करने वाली। फिलहाल एरियल को काफ़ी लो किया गया है, एरियल को नो कैन फिनिश ऑफ टीजे के गब्बर के द्वारा कर दिया गया है विद अ M416। 12 टीम 37 प्लेयर्स बचे हुए हैं। टीम आरन ने अपना एक प्लेयर खो दिया है, पर लिटोपी एंड फबिया दो ही प्लेयर्स बची हुई हैं। फिलहाल एश को इस बार अनुज M24 का मजा चखाएंगे, यानी कि यहाँ एक रिवेंज कंप्लीट करते हुए अपना अनुज। पहले एश ने सॉरी पहले स्टार वॉय ने उनको डाउन किया था, इस बार जी सॉरी एश ने ही डाउन किया था और एश को ही नॉक किया गया है। TW की बात करो तो 4 किल्स उनके पास है, टीम टीजे के पास है 5 किल्स। ऑन अदर साइड यहाँ पर टीम वानम के पास है 2 किल्स एंड फिलहाल जोन या एक वेस्ट जोन रोटेशन ले रहे हैं, शायद जोन क्लोज होना स्टार्ट हो चुका है। XG अनुज को इस बार फिर से SLR के साथ गब्बर डाउन करेंगे, इस बार टीजे के गब्बर एंड वैनम 7 को डाउन करेंगे टीम मेज के वर्थ। लेकिन वैनम वर्सेस मेज होता हुआ वैनम सैजी का 98 का मजा चखाएंगे मेज साकेत को, या वैनम 7 जो डाउन हुए हैं उनको रिवाइव देने के लिए वैनम हंटर आई थिंक सो आ रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल वैनम हंटर आ रहे हैं, लेकिन ये क्रिमिनल स्टार नज़र आ रहे हैं ऑन अदर साइड, जो TW से फाइट ले रहे थे, अब वैनम से उनकी फाइटिंग एज हो चुकी है। TW निंजा OP अपने ही प्लेयर को फिनिश ऑफ करते हुए, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? TW के निंजा OP ने हंटर OP को फिनिश ऑफ कर दिया और TW निंजा OP को टीम टीजे के स्टार बॉय ने फिनिश ऑफ किया। यहाँ ऑन अदर साइड फाइट हुई है ये। फिलहाल तो यहाँ पे एक टीम आ चुकी है सामने, TW आबू OP ने आबू और एक्सनिल होंगे और क्लोज में होंगे। टीम कैप्टन यहाँ पे टीम चारों प्लेयर्स हैं, तो एक नंबर एडवांटेज काफ़ी अच्छा है उनके पास। फिलहाल आते हुए प्लेयर्स एक गजब एंट्री मारते हुए, लेकिन वैनम वर्सेस टीम अबू OP यहाँ पे स्प्रेक आउट को डाउन करेंगे। ऑन द अदर साइड एक्सनिल जाएंगे जो चाचा OP को डाउन करेंगे, लेकिन एक्सनिल यहाँ से फंसेंगे, डाउन हो जाएंगे वो। अबू OP जलास में सर्वाइवल, दो प्लेयर्स उसके सामने होंगे। लेट्स सी यहाँ पे कैप चार्ली सामने से आ रहे हैं, दोनों प्लेयर्स सामने से आ रहे हैं, मुन्ना भैया एंड कैप चार्ली। अबू OP किस तरीके से डील करेगा 1v2 सिचुएशन, गन रिलोड करना चाहेगा बिल्कुल यहाँ पे अंदर की ओर। मुन्ना भैया एंट्री लेने के लिए तैयार, बढ़िया गन स्विच होगी, M4 पे स्विच हो चुका है, फ्री फायर जा चुका है और गन रिलोड एंड देन TW एलिमिनेटेड। यहाँ बिल्कुल मुन्ना भैया का एक अच्छा कवर फायर, टीम अपने टीम को बचा के लेके जाएगा। यहाँ पे चारों ही प्लेयर्स बच जाएंगे, फिलहाल रिवाइव होते नजर आएंगे दो प्लेयर्स भी। ऑन अदर साइड टीम वैनम की फायर, टीम वैनम की फाइट हो रही है। वैनम हंटर को फिनिश ऑफ कर दिया गया है, वैनम 7 ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, टीम मेज के साथ फाइट है। वैनम सैजी एंड फेजान जो उनके लिए निकल रहे हैं, जो उनका डैमेज काफ़ी पड़ने वाला है। मेज की बात करूँ तो वर्ड डाउन पड़े हुए हैं, जो बचेंगे नहीं जो उनसे फिनिश ऑफ हो जाएंगे, यानी किल वैनम को मिल जाएगा। क्रिमिनल स्टार काफ़ी लो हैं यहाँ पे, मेज साकेत तो आउट ऑफ द जोन हो जोन से निकल चुके हैं। फिलहाल क्रिमिनल स्टार बचना चाहते हैं फर्स्ट एड लगा के, बट वो बच तो फर्स्ट एड लगा के बच सकते थे, लेकिन यहाँ वर्थ को रिवाइव नहीं दे पाएंगे। यहाँ बचे हैं अभी के लिए मेज साकेत जोन में जाते हैं, और टीजे को अगर छेड़ेंगे तो वहाँ मुश्किल कर सकती है टीजे। यहाँ बिल्कुल वो चीज़ करते हुए मेज साकेत टीजे के ऊपर स्प्रे डाउन करते हुए, दैट्स वाई यहाँ पर टीजे उनको नहीं छोड़ने वाली। अब ये गलती थी मेज साकेत की, वहाँ पर टीजे स्टार बॉय को छेड़ा एंड टीजे स्टार बॉय उनको नो करेंगे। फिर उन्होंने स्टार को भी काफ़ी लो कर दिया उन्होंने, टीम मेज यहाँ एलिमिनेट होती नजर आ सकती थी ऑलमोस्ट। अभी तो अभी के लिए अकेला प्लेयर उनका बच्चा हुआ है। कैप चाली मेजिशिया को डाउन करेंगे टीम टीजे के मेजिशिया को, क्योंकि कैप चाली के पास एक अपर एरिया है। मेरे साथ प्ले जोन से फिनिश होंगे, कैप चाली ऑल्सो गेट नॉक्ड आउट बाय एश, टीजे के एश उनको डाउन कर चुके हैं। 10 टीम्स बची हुई है, 20 की फाइट होगी, 20 वर्सेज आ रहा है। फबिया डाउन करेंगी, एक फबिया खुद भी डाउन हो जाएंगी फबिया एंड फबिया को इंस्टेंटली फिनिश ऑफ, यानी कि टीम आरआर को एलिमिनेट कर दिया गया। लिटोपी को भी टीम 20 के जैक के द्वारा फिनिश ऑफ कर दिया गया।
टीम 20 के 4 किल्स होते हुए 9 टीम्स 25 प्लेस बचे हुए हैं, लेकिन सी एच भी ऊपर आ चुकी है। बेटी सिचुएशन टीम 20 के लिए डाल सकती है। बोप का डी एस आर के जो सोलो प्लेयर है, आई थिंक सो वो ड्रॉप लूटने के लिए आया है। एड ऑफ नंबर 5 जो कि हमारा ऑलरेडी लूटेड नहीं है, इस बार ओम आई है लेवल 3 हेलमेट वेस्ट बैकपैक के साथ। इंडेक्स बिल्कुल नहीं आएगा, पिछले वाले में दिया था उसका लूट के लाइए, फिर इस बार एड को लूटिए, देन फिर इंडेक्स पाइए। फिलहाल डेविल्स को डाउन करेंगे टीम एच फोर, क्योंकि फ्लैश या डेविल्स के प्लेयर को डाउन करेंगे। डेविल्स फोली ओपी को एंड यहाँ ग्रेनेड भी कुक कर लिया गया है। फ्लैश आगे जाएंगे, डेड शॉट को भी डाउन कर देंगे। फ्लैश बैक टू बैक दोनों दे चुके हैं। फ्लैश यहाँ पे सामने होंगे बाकी डेविल्स के प्लेयर, लीजन या फिनिश ऑफ करेंगे डेड शॉट को। अनदर साइड यहाँ डेविल्स निकोपी सामने स्पॉटेड है, लीजन का स्प्रे यहाँ पे विदाउट स्कोप जा रहा है। फिलहाल फ्लैश करेंगे डेविल्स फोली ओपी को भी किल कन्फर्मेशन आएंगे। दो किल्स दो बचे हुए हैं टीम डेविल्स के प्लेयर्स अनुज एंड निकोपी। फिलहाल टीएफ स्प्रे गोड का एक ग्रेनेड जाएगा, यानी कि टीम ऑन द अदर साइड टीम किंग का ग्रेनेड जाएगा जो फिनिश ऑफ करके जाएगा कन्वर्ट स्टार को। लेकिन टीम सी एच बी वर्सेस टीम टी जे होता हुआ, टी जे के प्लेयर सी एच बी के प्लेयर को डाउन कर चुके हैं विद एस के एस, आई थिंक सो टी जे का बर विद एस एल आर। हाँ बिल्कुल, फिलहाल टीजे एक फाइट लेते नजर आ रही है, एज ऑफ द जोन पर आके बैठे हुई है। फिलहाल फ्लैश डाउन हो चुके हैं, इस बार डेविल्स निकोपी उनको डाउन करेंगे। लीजन भी यहाँ फिनिश ऑफ हो जाएंगे और टीम डेविल्स यहाँ दोनों किल्स अपने बटोरती हुई, यानी कि रिवेंज एक टाइप का लेती हुई। 7 टीम्स 20 प्लेयर्स बचे हुए हैं। डेविल्स निकोपी ने ये चारों किल्स लिए हैं, या दो किल्स यहाँ दो किल्स पहले ले चुकी थी सी एच बी। वैसे ट्रिनिटी एटीयर का ब्लेज जो था वो फिनिश ऑफ होता हुआ, ट्रिनिटी के चारों प्लेयर्स अलाइव हैं। 16 प्लेयर्स बचते हुए जिसमें डेविल्स के डुओ बचा है, ट्रिनिटी का पूरा स्क्वाड है, टीम किंग का पूरा स्क्वाड है, टीम सीएचबी पूरा स्क्वाड है, टीम टीजे पूरा स्क्वाड है, बॉब डी एसआर के अभी तक सर्वाइव करता नजर आ रहा है। उसके जस्ट राइट हैंड साइड में टीम किंग है बट अपर साइड में फिलहाल डी एसआर के अभी के लिए तो काफ़ी अच्छी तरीके से सर्वाइवल पॉइंट अपनी टीम को दिलाता हुआ अकेला प्लेयर काफ़ी टाइम से सर्वाइव करता नजर आ रहा है। ट्रिनिटी डीन या सीएचबी वेजिटो को डाउन करेंगे, इंस्टेंट फिनिश ऑफ डालने का ट्राई वर्ड वेजिटो पी अभी के लिए तो फिनिश ऑफ नहीं होंगे और वी वाई भी शायद टीम सी एच बी की ओर से दे दिए जाएंगे, लेकिन वो आउट ऑफ द जोन है, उन्हें थोड़ा जोन में भी आना है। फिलहाल वेजिटो पी क्या 20 मीटर कैरी कर पाएंगे अपने आप को, 15 मीटर दूर है अभी वेजिटो पी जोन के अंदर नहीं है, 15 मीटर दूर जरूर है। फिलहाल ट्रिनिटी जैक को आकाश ओपी फिनिश ऑफ करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे वेजिटो ओपी का बचना मुश्किल, या बिल्कुल सी एच पी के प्लेयर वेजिटो ओपी फिनिश ऑफ हो जाएंगे। ट्रिनिटी की जैक की बात करो तो वो भी बहुत ज़्यादा लो हैं, ग्रेनेड के साथ शायद फिनिश ऑफ होते नजर आएंगे। ट्रिनिटी के हरी स्मोक्स काफ़ी किए गए थे बट आकाश ओपी का ग्रेनेड जाएगा जो किल कन्फर्मेशन लेगा जैक का। टीम ट्रिनिटी वी थ्री मैन स्क्वाड ही बची है, 3v3 फाइट होने वाली है क्लोज करते हुए सी एच पी के प्लेयर्स। जी हाँ, काफ़ी यहाँ पर रिवेल कैरी एंड डीन थोड़ा दूर हैं। फिलहाल तीनों प्लेयर्स आते हुए कैरी पूरा ओपन में आ चुके हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अपूर्व ओपी को डाउन करेंगे, ट्रिनिटी कैरी बट खुद भी डाउन हो जाएंगे। स्कल मॉन्स्टर और नेट डाउन करा था कैरी को बट ट्रिनिटी डीन ऑन द अदर साइड उनको डाउन करेंगे। आकाश ओपी इज द लास्ट मैन सर्वाइवल, वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि टीम ट्रिनिटी के डीन काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी टीम को बचा के लेके गए। चार किल्स उनके हो चुके हैं, 5 टीम्स 14 प्लेयर्स हमारे बचे हुए हैं। टीम टीजे वर्सेस टीम यहाँ पे टीम किंग देखने को मिलेगा। टीजे एक अपर हिल का फ़ायदा उठाएगी, ऊपर बैठी हुई है टीजे, उसका फ़ायदा उन्हें पूरा पूरा मिलेगा। फिलहाल अपर बैठी हुई है जोन के अंदर भी है वो। 5 टीम 14 प्लेयर्स बचे हुए हैं, जिस 5 टीम में टीम बॉब का डीएसआर के सोलो नजर आ रहा है, जोन के लिए अब निकला जरूर है। मुश्किल बढ़ेगी कि नहीं वो देखना होगा। फिलहाल डेविस निकोपी कैप्टन चार्ली को डाउन करेंगे एंड ऑन अदर साइड टीम ट्रिनिटी की ओर भी अनुज का ध्यान है। यूएमपी 45 चलाते हुए नजर आ रहे हैं अनुज एंड डेविस निकोपी को ऑन द अदर साइड आने। फिलहाल टीजे स्टार बॉय टीजे के गब्बर हुआ फिनिश ऑफ करेंगे बॉब डीएसआर के को। 4 टीम 13 प्लेयर्स बचे हुए हैं, कौन सी टीम है चिकन निकालती नजर आएगी। फिलहाल ट्रिनिटी डीन को अनुज डाउन कर देंगे एंड क्लोज भी करते हुए, खुद काफ़ी लो हैं। ट्रिनिटी डीन आउट ऑफ द जोन हुए तो मुश्किल होगा, लेकिन टीम ट्रिनिटी जोन के अंदर है। फिलहाल यहाँ हील करते नजर आ रहे हैं, कैरी ओपन में आए हैं पूरा, यहाँ पे अनुज क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। एश डाउन करेंगे स्प्रे गोड को विद ग्रेनेड, ग्रेनेड आता हुआ अनुज के काफ़ी करीब, यहाँ पे हाइपर रिवेल का ग्रेनेड पर अनुज की यहाँ पे फर्स्ट एड कैरी हो चुकी है, फर्स्ट एड लक पोपिन हो चुकी है क्लोज आते हुए, लेकिन रिवाइव हो चुके हैं वहाँ पर डीन और डीन यहाँ क्लोज करते हुए फाइट लेते हुए अनुज को दोनों साइड से पड़ेगी। ट्रिनिटी कैरी को लेकिन ट्रिनिटी कैरी डाउन करेंगे अनुज को, डेविस निकोपी इज द लास्ट मैन सर्वाइवल ऑफ टीम डेविस। ग्रेनेड उसके गए जरूर हैं बट ग्रेनेड्स काफ़ी दूर रह गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर हैं टीम ट्वेंटी के प्लेयर्स। फाइल कर लेंगे जोन के अंदर भी हैं। टीजे वर्सेस टीम किंग काफ़ी अच्छे तरीके से चल ही रहा है ये स्टार्टिंग से। 4 टीम्स 12 प्लेयर्स जिसमें टीजे के पास और टीम किंग के पास नंबर एडवांटेज 4-4 का है और टीम टी के पास भी 3 का है। डेविस निकोपी ही सोलो है। टीम डेविस टीम किंग टीम ट्वेंटी या टीम टीजे की चिकन निकालने वाली है इस गेम का, देखते हैं यहाँ पे।
डिनर पॉसिबिलिटी बोलूँ तो मैं यहाँ पे अभी के लिए 30-30 30-30 एंड 10 होगी। कल कैप्टन चार्ली डाउन हो चुके हैं, टीजे स्टार बॉय की ओर से स्प्रे गॉड भी डाउन हो चुके हैं, ऊपर आना था उन्हें कैप्टन फिर से यहाँ से स्टार बॉय ने बैक टू बैक दो नोक दे दिए। चचा ओपी भी डाउन हो चुके हैं, मुन्ना भैया इज द लास्ट मैन सर्वाइवल जो रिवाइव देने का ट्राई करेगा, लेकिन टीजे शायद उस चीज़ को होने नहीं देगी इतनी आसानी से। मैजिशियन को स्टार बॉय रिवाइव दे रहे हैं, यहाँ पे स्प्रे गॉड को भी रिवाइवल मिल जाएगा अगर टीजे ने क्लोज नहीं किया तो। जहाँ बिल्कुल यहाँ पे मुन्ना भैया आप एक टीजे स्टार बॉय को कैप्टन चालिया के लिए कन्फर्मेशन होगा, टीम टीजे अभी के लिए होल्ड करेगी, जोन भी जाना है टीम टीजे को, दैट्स वाई वहाँ पे शायद क्लोज नहीं करी, एक दो प्लेयर को खोना नहीं चाहती थी। एंड यहाँ मुन्ना भैया अभी कंटिन्यू स्प्रे रखेंगे, 3v4 फाइट होगी टीजे से उनकी, टीम किंग वर्सेस टीम टीजे, स्प्रे गॉड रिवाइव हो चुके हैं, चचा ओपी रिवाइव हो चुके हैं, हील अपने आप को कर रहे हैं वो। एंड टीम टीजे जाती है जोन में निकलना, 5 सेकंड बचे हुए हैं, जोन का स्कैम होगा, ट्रिंटी एक अच्छे जोन में बैठी हुई है, डेविल्स ली ओपी अकेला प्लेयर, निक ओपी वो भी जोन में बैठा हुआ, ट्रिंटी डीन को उनकी ओर ध्यान देना होगा, देखने कितनी देर में मिलेगा उनका ध्यान। फिलहाल ट्रिंटी के प्लेयर चचा ओपी को डाउन कर देंगे, ट्रिंटी कैरी टीजे स्टार बॉय को भी डाउन करेंगे, टीजे गब्बर के साथ फाइट होगी, ट्रिंटी कैरी गेट नॉक डाउन, ट्रिंटी डीन हुआ किल कन्फर्मेशन ऑन द अदर साइड ले रहा है, गब्बर यहाँ ट्रिंटी कैरी को फिनिश ओपी कर देंगे, पर टीम ट्रिंटी टीम टीजे की ओर जाती हुई पीछे से। फिलहाल टीम ट्रिंटी का प्लेयर बहुत ज़्यादा मुश्किल में दोनों साइड से फंस चुके हैं, फिलहाल हाइपर रिवेल डाउन करेंगे गब्बर को, बट हाइपर रिवेल भी डाउन हो जाएंगे मैजिशिया की ओर से, टीम टीजे का लास्ट प्लेयर मैजिशिया बचा हुआ था, शायद से ट्रिंटी डीन आगे आते तो यहाँ टीम टीजे का खात्मा होता हुआ नजर आ सकता था हमें, पर टीजे के प्लेयर्स अपने प्लेयर को बचाते हुए नजर आएंगे। गब्बर रिवाइव हो चुके हैं, फर्स्ट एड अपने आप को लगा रहे हैं, लेकिन जोन का स्कैम लगातार देखने को मिलेगा, मैजिशिया अभी भी रिवाइव नहीं दे सकते, 14 मीटर दूर है, रिवाइव देने का ट्राई मुश्किल होगा उन्हें। फिलहाल यहाँ पे अभी भी जोन में नहीं है, वो स्मोक्स कर रहे हैं आगे जोन में जाने के लिए, टीम किंग के डुओ यहाँ बचा हुआ है, मुन्ना भैया काफ़ी डैमेज ले रहे हैं जोन का, ट्रिंटी के डीन अंदर बैठे हुए हैं, वहीं पे गब्बर जाना चाहते हैं और यहाँ गब्बर के साथ फाइट होगी ट्रिंटी के डीन की, और गन स्विच हो चुकी है, गब्बर को नोक करेंगे, ट्रिंटी डीन फिनिश हो बी डाल देंगे इंस्टेंटली। टीजे की बात करो तो यहाँ स्टार वो अभी के लिए बचे हुए हैं, मैजिशिया उनको रिवाइव दे रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल टीम टीजे डुओ खेलेगी मैजिशिया स्टार बॉय के साथ, और ट्रिंटी डीन जो सोलो है फिलहाल स्प्रे गॉड मैजिशिया को डाउन करेंगे, इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर देंगे दोनों ही प्लेयर्स को स्प्रे गॉड, 1v2 सिचुएशन में ट्रिंटी डीन ओपन में आएंगे, टीम किंग गेट अ चिकन डिनर, ओपी चिकन डिनर बाय टीम किंग विद अ 7 किल्स, ओपी गेम प्ले बाय स्प्रे गॉड, मुन्ना भैया चार्ली एंड चाचा ओपी, सेकंड पोजीशन पे आती है टीम ट्रिंटी विद अ 12 किल्स, अच्छा गेम प्ले ट्रिंटी डीन कैरी रिवेल एंड जैक का। फिर टीजे आती हुई थर्ड पोजीशन पे, ओपी गेम प्ले बाय गब्बर मैजिशिया एश एंड स्टार बॉय, फोर्थ पोजीशन पे आती हुई टीम डेविस, निक ओपी बहुत अच्छा खेला, बोब का डीएसआर के अपनी टीम को हैट्रिक 5 दिलाता हुआ, देन सीएचबी एंड बाकी टीम्स।